जेवर एयरपोर्ट को लेकर क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं? जेवर एयरपोर्ट में आज यमुना के बोर्ड ने वस्तु स्थिति का आकलन किया। ये बड़ी संतोषजनक बात है कि जेवर एयरपोर्ट के बारे में जो बिडिंग होनी है और जो प्राइवेट पार्टनर के साथ कंसेशन एग्रीमेंट होना है, उसको कल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने क्लियर कर दिया है। जल्दी ही ये अप्रूव हो जाएगा और बिड हम लोग फ्लोट कर देंगे। सर, शिलान्यास कब तक हो सकता है ये? अभी जैसे ही भारत सरकार से ये डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएगा और बिड फ्लोट हो जाएगी, उसके बाद ही पता लगेगा। सर, बिड को भी कैबिनेट में भेजा गया है, उसके बाद की प्रक्रिया क्या क्या रहेंगी कैबिनेट? इसमें कैबिनेट से, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद भारत सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय से इसका अप्रूवल होगा, फिर हम लोग बिड फ्लोट कर सकते हैं। सर, लगभग कितना टाइम इस पूरी बिडिंग प्रक्रिया में लग सकता है? 1 से 1.5 महीना, 2 महीना, कितना? इसमें 8 हफ्ते का टाइम नॉर्मली दिया जाता है। अब इस प्रदेश सरकार पर निर्भर करेगा कि वो उसको 8 हफ्ता रखती है या उससे कम करती है। सर, वीवो कंपनी के लिए कुछ 50% की छूट दी गई है, सर उसको लेकर के पूरा बता दीजिए। नहीं, वो तो शासन का एक आदेश है जिसमें जो भी इस तरीके की कंपनी आएंगी उनको 25% की छूट जो अथॉरिटी है वो देगी और उसकी भरपाई शासन करेगा। तो हम जो भी छूट दे रहे हैं उसके बजट में प्रोविजन करने के लिए सरकार को निवेदन कर रहे हैं, जिससे वो धनराशि यमुना को वापस मिल जाए। सर, तो भूखंड जो जेपी का भूखंड है जहाँ फॉर्मूला 1 बनाया, सर उसको लेके क्या निर्णय लिया गया था? बताया 108 उसमें उन्होंने ये अनुरोध किया था, उनका पहले रीशेड्यूलमेंट किया था जिसमें उनको 1 किस्त जमा करनी थी, सितंबर तक वो जमा नहीं कर पाए 108 करोड़ की, तो उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें दिसंबर तक का समय दे दिया जाए, तो ब्याज समेत वो दिसंबर तक पैसा जमा करेंगे। अगर वो नहीं जमा करते तो उनके विरुद्ध जो भी मुनासिब कार्यवाही होगी वो की जाए। टोल को बढ़ाने को लेकर के जो है एक प्रस्ताव आया था, उस पर टोल में जो पूर्ववत निर्णय था वही रहेगा। टोल तभी बढ़ाया जा सकता है जब बढ़ी हुई धनराशि यमुना एक्सप्रेसवे के साथ एस्क्रो अकाउंट खोलकर उसमें रखी जाए और उसका उपयोग यमुना एक्सप्रेसवे की सुरक्षा के लिए किया जाए। लेकिन क्योंकि जेपी इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए टोल बढ़ोतरी पर कोई निर्णय स्वीकार नहीं हुआ। सर, एक और बात, सर भू अधिग्रहण में लगभग 1000 किसानों ने आपत्ति दर्ज कराई है, इसको लेके क्या कहेंगे? वो जिलाधिकारी उसको देख रहे हैं, वो उसका निर्णय लेंगे उस पर।